आप लोगों में से अधिकतर लोग पूछते रहते हैं कि मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव क्यों नहीं रहता। मैं इसीलिए आप लोगों से बोलता हूं कि आप लोग अपने जो भी एसएमएस हुआ करेंगे जीमेल पर भेज दिया करिएगा, क्योंकि आज मैंने सुबह जैसे ही आपकी सोशल मीडिया खोला, उस पर गया देखने के लिए, वैसे ही देखा मैंने तो एक बड़ी, मतलब आप सोचिए, अंदर तक हिला देने वाली एक घटना डली हुई थी। एक मतलब बच्चे की किसी ने मतलब उसे मार दिया, पैर भी बांध दिए, उसके हाथ भी बांध दिए। आप समझिए उस घटना को, मतलब सुबह से दिमाग पर एक तरह से, आप समझिए कितना, ठीक है हम तो मतलब हमें दर्द उतना नहीं अनुभव कर सकते, लेकिन उस परिवार पर क्या गुजरी होगी। अभी कुछ समय पहले कुछ बोला भी उस पर, तो आप लोग देख सकते हो। लेकिन मतलब सोचिए कि इसीलिए आप लोग उससे कहते हैं, एक तो ये मात्र घटना है, मतलब हम लोगों के सामने आई, इस तरह की हजारों घटनाएं डेली घटती हैं। अभी इससे पहले भी आपने देखा था, कई लोगों ने कहा कि इस तरह की पिक्चर्स शेयर मत कीजिए। उसमें आपने देखा था कि वो एक मतलब कूड़ा दान है, मतलब कचरा जहाँ फेंकते हैं वहां दो बच्चियों के, देखिए बच्चियां बच्ची ही होंगी क्योंकि लड़कों को अधिकतर लोग नहीं फेंकते, तो वहां भी देखा है आपने। लेकिन आप सोचिए कि किस तरफ बढ़ रहे हैं, किस तरफ हमारा समाज जा रहा है। चलिए ठीक है, उस परिवार को यही कह सकता हूं कि सहन शक्ति जो भी हो, अब क्या कर सकते हैं, सहन शक्ति दे भगवान उस पापी को, मतलब जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो सकती दीजिए उसमें कोई, आप सोचिए कि मतलब बहुत गलत है। तो हम लोग समसामयिक की घटना चक्र वार्षिकांक देख रहे थे, इसमें आपका, हम लोगों ने एक बहुत बड़ा पार्ट खत्म कर चुके हैं, जिसमें आपने देखा था कि विधिक पर राष्ट्रीय परिदृश्य देख चुके हैं, विधिक परिदृश्य, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य और वैज्ञानिक परिदृश्य में हम लोग बात कर रहे थे। तो इसमें आपके चार टॉपिक हम लोग खत्म कर चुके हैं। पहला आपका था खगोलीय गतिविधियां, तकनीक एवं प्रौद्योगिकी, शरीर और स्वास्थ्य विषय, जो भी 2019-20 में घटनाएं घटी हुई हैं, फिर पर्यावरण विज्ञान को भी देखा है और रक्षा विज्ञान को आप देखने वाले हैं। इसके साथ आपका जो वैज्ञानिक परिदृश्य है ये खत्म हो जाएगा, फिर कुछ चैप्टर और बचते हैं टॉपिक, उन्हें भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो यूपीपीसीएस अभी बहुत टाइम है आपका, 2 ही 3 दिन में मेरा कोशिश है पूरी कि सभी पूरा टाइम निकाल के इसी पर दे रहा हूँ कि कम से कम आपका कंप्लीट हो जाए और पेपर आप लोग देख सकें। रक्षा विज्ञान, तो आपने देखा है भारत में राफेल का आगमन हुआ है, हम लोगों ने राफेल खरीदे हुए हैं। अभी 29 जुलाई 2020 को बहुप्रतीक्षित सामरिक रूप से महत्वपूर्ण 5 फ्रांसीसी राफेल विमान का हरियाणा के अंबाला वायुसेन अड्डे पर आगमन हुआ। आपने देखा है बहुत विवाद भी चला है इस पर, समझ रहे हैं? तो वही ये विमान है, राफेल विमान। तो ये भी याद रखिए कब आए और कितने आए, और उसके बाद ये भी रखना कि हरियाणा के अंबाला वायुसेन अड्डे पर आगमन हुआ इनका, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस कुछ भी बन सकता है, क्योंकि इस बार 2020 में कुछ ज्यादा घटनाएं है भी नहीं है, तो इसलिए पूछा जा सकता है। वहीं आप बात करेंगे डसॉल्ट एविएशन द्वारा भारत को 36 कितने 36 राफेल विमानों की बिक्री हेतु सितंबर 2016 में भारत और फ्रांस के मध्य एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इस कंपनी को याद रखिए, डसॉल्ट एविएशन है, फ्रांस की है, इसके द्वारा भारत को 36 राफेल विमान की बिक्री हेतु 2016 में इस पर समझौता हुआ था भारत और फ्रांस सरकार के बीच। अब बाकी जो है ये भी आ जाएंगे टाइम के साथ। 27 जुलाई 2020 को फ्रांस के मेरिगनेक स्थित दसॉल्ट एविएशन फैसिलिटी से उड़कर लगभग 8500 यानी कि 8500 किलोमीटर की यात्रा के बाद ये 5 राफेल विमान अम्बाला एयरवेज पर उतरे। योजना के अनुरूप मार्ग में संयुक्त अरब अमीरात स्थित अल दफरा एयरवेज पर राफेल विमानों ने सुरक्षित लैंडिंग भी की थी। तो इसे भी आपको याद रखना है, कौन सा, अल दफरा एयरबेस पर राफेल विमानों ने सुरक्षित लैंडिंग भी की थी। कहने का मतलब है कि वहां से जब चली तो बीच में ये रुके भी हैं। एपात विमान भारतीय वायुसेना के पायलटों द्वारा फ्रांस से उड़ाकर भारत लाए गए थे। उड़ान के दौरान ही फ्रांसीसी वायुसेना एवं भारतीय वायुसेना के टैंकरों ने विमान में हवा में ही ईंधन भरने की घटना को अंजाम भी दिया है। अब देखिए ये सुविधाएं हो चुकी हैं कि आप जैसे वायुयान लड़ रहे हैं, मतलब हवाई जहाज, ये जो भी पायलट आप समझ रहे हैं, जो भी आपके जो राफेल है, और वहां ईंधन खत्म हो जाए तो ऊपर ही, आप सोचिए नीचे ना आने की जरूरत पड़े तो ऊपर ही ईंधन सुविधा हो जाए, तो इस तरह की सुविधा भी करके देखा है इन्होंने। ये विमान भारतीय वायुसेना की 17वीं स्क्वाड्रन का अंग होंगे, किसका, 17वीं, ठीक है। राफेल विमान 2004 में फ्रांसीसी नौसेना और 2006 में फ्रांसीसी वायुसेना में शामिल हुआ था। इस दौरान राफेल ने अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया, माली और इराक में युद्ध या संकट के दौरान अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी थी।
भारत ने के अतिरिक्त मिस्र, कतर ने भी फ्रांस के रफेल विमानों की खरीद हेतु ऑर्डर भी दिया है। कतर में आप सोचिए कि आ भी गए हैं, पहुंच भी गए हैं। तो यहाँ दो चार बातें और याद रखिए कि हम लोग कोई मतलब नई बात नहीं है, हमसे पहले भी कई देश इस तरह के विमान समझौते कर चुका है इससे। मुझे तो लगता है कि हमें तब खुश होना चाहिए था जब आप सोचिए कि हमारी कंपनियां इस तरह की रफेल विमान बना रहे होते। अब आपने दूसरे देशों से खरीद लिए हैं, पाकिस्तान के पास पैसा होगा या चीन के पास, तो वो भी तो खरीद सकते हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। खुशी तो हमें उस दिन मनानी होगी जिस दिन हमारे यहाँ इससे रफेल से भी तगड़े विमान बनाए जा रहे होंगे। वो ये कैसे होगा जब तक हमारी शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी। अब देखिए नई शिक्षा नीति आई हुई है, अब अगर ये सही से लागू होती है तो आप देखेंगे कि बहुत काफी हद तक हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इन्हें याद रखिए, ये अलग बात है। आपका रफेल क्षमता शक्ति की बात करें तो रफेल में शक्तिशाली आईसा रडार लगे हैं जिनका निर्माण थेल्स समूह ने किया है। किसने? थेल्स समूह ने। माइका मिसाइलें यह हवा से हवा में मार करने में सक्षम है और दृश्य सीमा से परे 100 इतनी रक्षा मिसाइलें हैं। फिर आप देखेंगे स्कैल्प मिसाइलें या लंबी दूरी की स्टैंड ऑफ मिसाइल हैं। फिर आप हैमर देखेंगे, हैमर मिसाइल हवा से जमीन पर मार करने वाली गाइडेड मिसाइल जिसमें जीपीएस सिस्टम भी लागू है। फिर आप देखेंगे मिटियर, मिटियर लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और इन मिसाइलों में रैमजेट लगा हुआ है। क्या? रैमजेट। रफेल पर एक और नजर डाल लेते हैं हम लोग कि इसकी गति कितनी होगी, 1.8 मीटर, यानी कि कहने का मतलब 2,222.64 किलोमीटर प्रति घंटा। आप समझ सकते हैं कितनी मतलब एक तरह से इसकी उड़ने की मतलब कितनी चाल एक तरह से आप कह सकते हैं। इंजन की बात करें तो इसमें दोहरा इंजन प्रयोग किया गया है। लंबाई की बात करें तो इसमें 15.30 मीटर की लंबाई है। भार 10 टन है। टेक ऑफ भार इसका 24.5 टन है। ऊंचाई की बात करें तो इसका 5.30 मीटर है। अधिकतम ऊंचाई की बात करें तो क्षमता इसकी 50,000 फिट है। ये 50,000 फिट तक ऊपर उड़ सकता है। ठीक है, अगली खबर है आपकी, ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण हुआ है। 15 से 16 जुलाई 2020 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण किया गया है। तो याद रखना उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया है। यह परीक्षण सतह पर स्थित एक लॉन्चर ने से किया गया है। तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र नाग मिसाइल के हेलीकॉप्टर से विक्षेपित किए जाने वाली संस्करण हेलिना का परिवर्तित नाम है। किसका? हेलिना का। इसकी अगर मारक क्षमता की बात करें तो 7 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। इसको AL-H ध्रुव और रुद्ध हेलीकॉप्टर से दागा जा सकता है। ठीक है, और ध्रुवास्त्र की अगर विशेषताओं की बात करें तो इसकी लंबाई आपको 1.9 मीटर देखने को मिलेगी। इसका भार यानी कि 45 किलोमीटर 45 किलोग्राम देखने को मिलेगा। व्यास की बात करें तो 0.16 मीटर। अधिकतम गति की बात करें तो 240 मीटर प्रति सेकेंड इसकी अधिकतम गति है। मारक क्षमता की बात करें तो 500 मीटर से 7 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता भी है। ठीक है, इस तरह के स्वदेशी हमारे काफी हम लोग भरोसा भी कह सकते हैं। आप लोग देखते हैं कि एक समय हुआ करता था कि पाकिस्तान अमेरिका चीन एक मित्र हुआ करते थे, रूस हमारा मित्र हुआ करता था। परिस्थिति बदलती गई, अब आप देखेंगे अमेरिका का झुकाव हमारी तरफ है और रूस का झुकाव चीन और पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। तो देखिए बाहरी देशों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अमेरिका इसलिए आपका साथ दे रहा है क्योंकि उसे चीन को प्रतिस्थापित करना है, चीन को आगे बढ़ने से रोकना है। तो अमेरिका एक मतलबी दोस्त की तरह होता है, समझ रहे हैं? तो इसलिए हमें खुद अपने आप पर एक आत्मनिर्भर की बात की गई। इसके तहत आपने देखा है रक्षा मंत्री ने कई मतलब इस तरह के जो भी सैनिक उपकरण है उन पर आयात पर प्रतिबंध भी लगाया है। अब हम खुद बनाएंगे अपने, ये अच्छी बात है, बहुत पहले हो जाना चाहिए था ये। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हमारी सेनाएं अपने यहाँ के हथियार यूज करेंगी और जो हम हथियार बना रहे हैं उस पर हमें भरोसा भी होता है। और ये युद्ध चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, उस समय भी हम अपने शामिल कर सकते हैं अपनी सेनाओं में। पर आपने देखा होगा कि टोरपीडो डिकॉय प्रणाली मारीच 26 जून 2020 को भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं में वृद्धि करने के उद्देश्य से स्वदेश निर्मित उन्नत टोरपीडो डिकॉय प्रणाली मारीच को अपने बेड़े में शामिल किया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO इसको डिजाइन एवं विकसित किया है। DRDO ने बेंगलोर स्थित सार्वजनिक क्षेत्र का रक्षा उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL इस डिकॉय प्रणाली के उत्पादन का कार्य करेगा।
यह प्रणाली किसी भी टॉरपीडो हमले को विफल करने में नौसेना की हमारी नौसेना की मदद करेगी। मारीच प्रणाली हमलावर टॉरपीडो का पता लगाने, उसे भ्रमित करने और नष्ट करने में भी सक्षम है। मारीच नाम पौराणिक ग्रंथ रामायण की एक पात्र मारीच से प्रेरित है, जिसने स्वयं मृग का रूप धारण कर श्री राम को भ्रमित किया था। आप लोगों ने रामायण देखी होगी तो समय आपको मालूम होगा। इसे अग्रिम पंक्ति के सभी योद्ध पोतों से संचालित किया जा सकता है। याद रहे कि टॉरपीडो के एक स्वचालित एवं स्व निर्देशित विस्फोटक अस्त्र है, जिसे जल की सतह से ऊपर या नीचे से दागा जा सकता है। सामान्यतः इसे पनडुब्बी, सतही पोतों, हेलीकॉप्टरों और विमानों आदि से भी विक्षेपित किया जा सकता है। पर आपने देखा होगा कि डिफरेंस एक्सपो भी हुआ है 2019 में, 2020 में। 11वीं डिफरेंस एक्सपो का आयोजन 5 से 9 फरवरी 2020 के मध्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ है। तो यूपी का यूपीपीसीएस हो, फिर चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, उनके लिए मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। तो ये कहाँ हुआ था? लखनऊ। किस नंबर का है? 11वें। कब से कब? 5 से 9 फरवरी के बीच हुआ है, ठीक है। यह प्रथम अवसर था जब डिफरेंस एक्सपो का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया है। पहली बार डिफरेंस एक्सपो 2020 का मुख्य विषय था भारत एक उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण हब। तो इस थीम को भी याद रखना। अधिकतर आप देखते हैं सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस में थीम ही पूछी जाती है, ठीक है, और वन डे एग्जाम में तो डायरेक्ट थीम पूछ लेगा। इसके तहत एरोस्पेस एवं रक्षा क्षेत्र में डिजिटल रूपांतरण विषय पर ध्यान केंद्रित किया गया था। 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डिफरेंस एक्सपो का शुभारंभ किया गया था और 6 फरवरी 2020 को डिफरेंस एक्सपो 2020 के एक प्रमुख आकर्षक के रूप में पहले भारत अफ्रीका रक्षा मंत्री सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे लखनऊ घोषणा को अपनाया गया, जिसमें आपने देखा है लखनऊ घोषणा को अपनाया भी गया। डिफरेंस एक्सपो 2020 के दौरान कई नए रक्षा उत्पादों को भी लॉन्च किया गया, जिसके विवरण सारंग। 7 फरवरी 2020 को आयुध निर्माणी बोर्ड यानी कि OFB में ने सारंग नामक तोप को भारतीय थलसेना को सौंप दिया है, सारंग को, ठीक है। 155 मिलीमीटर बैरल वाली यह तोप 36 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। कौन सी? सारंग आपकी। फिर आपने देखा होगा अमोघ, अमोघ AUV। डिफरेंस एक्सपो 2020 के दौरान भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड ने द्वितीय पीढ़ी की टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल अमोघ 3 का भी अनावरण किया है। यह मनुष्य द्वारा वहनीय दागो एवं भूल जाओ के सिद्धांत पर आधारित है, दागो और भूल जाओ। 18 किलोग्राम वजनी इस मिसाइल की मारक दूरी 200 से 2500 मीटर तक है। कितनी? 200 से 2500 मीटर। फिर आपने देखा होगा कि पार्थ, यह एक गन शॉट लोकेटर है, जिसके द्वारा 400 मीटर के दायरे में ही में हो रही फायरिंग की सटीक लोकेशन की पता को पता की जा सकती है, ठीक। फिर आपने देखा होगा कि खगांतक, भारत की एक निजी कंपनी JSR डायनामिक्स ने डिफरेंस एक्सपो 2020 में इस स्वदेशी मिसाइल को प्रदर्शित किया है। यह वायु से सतह मार करने वाली मिसाइल है। ये भी कई बार पूछ लेता है कि खगांतक कहां से कहां मार करने वाली मिसाइल है, सतह से सतह पर, वायु से वायु में। तो याद रखना ये वायु से सतह पर मार करने वाली है। इस मिसाइल की अगर मारक क्षमता की बात करें तो 180 मीटर है, 180 किलोमीटर, ठीक है। फिर आपने सुना होगा वरुणा शस्त्र। ये भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित अत्यधिक वजनी टॉरपीडो वरुणा शस्त्र को डिफरेंस एक्सपो 2020 के दौरान भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। वरुणा शस्त्र पोत से विक्षेपित किया जा सकने वाला विद्युत चालित पनडुब्बी रोधी टॉरपीडो है। फिर आप देखेंगे K4 पिच्छेपास्त का परीक्षण। 19 जनवरी 2020 को विशाखापट्टनम तट से K4 पिच्छेपास्त का विक्षेपण किया गया, जो सफल भी रहा है। 24 जनवरी 2020 को पुनः K4 पिच्छेपास्त का सफल परीक्षण बंगाल की खाड़ी से भी किया गया है। 24 जनवरी को किया गया परीक्षण पनडुब्बी से विक्षेपित की जाने वाली इस बैलिस्टिक मिसाइल का अंतिम विकासात्मक परीक्षण था। इस प्रकार इस मिसाइल को के व्यावसायिक उत्पादन में सशस्त्र सेनाओं की में तैनाती का मार्ग प्रशस्त हो गया। ये आप बेच भी सकते हैं आप लोग और अपनी सेनाओं में भी शामिल कर सकते हैं। K4 SLBM पनडुब्बी से प्रक्षेपित किया जाने वाला एक परमाणु हथियार क्षमता संपन्न मध्यम दूरी का पिच्छेपास्त है, और यह पिच्छेपास्त मुख्यतः स्वदेश में डिजाइन की गई अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियों पर तैनात होगा। अरिहंत श्रेणियों की इन पिच्छेपास्त को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसकी मारक क्षमता आप देखेंगे 3500 किलोमीटर होगी। कितनी? 3500 किलोमीटर।
या दुश्मन के रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आ सकती है। इस पिच्छेपास्त की लड़ाई लंबाई 12 मीटर और व्यास इसका 1.3 मीटर है। इसकी भार क्षमता की बात करें तो 17 टन है। कितनी? 17 टन इसकी भार क्षमता है। ठीक है, फिर आपने सुना होगा कि सीपरी विश्व की शीर्ष 100 हथियार उत्पादक कंपनियां 2018 में की कौन कौन सी रही हैं। तो 9 दिसंबर 2019 को स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान द्वारा विश्व में हथियार उत्पादक एवं सैन्य सेवा प्रदाता शीर्ष 100 कंपनियों की सूची जारी की गई। ये सेपरी जो संस्था है ये भी बताती है कि किस देश ने कितने आयात किए हैं, कितने निर्यात किए हैं हथियार। तो इस पर पिछले हम लोग एक टॉपिक था, आपने देख सुन याद होगा आपको शायद, तो उसमें हम लोगों ने देखा भी था। यह सूची वर्ष 2017 से 18 के मध्य भी हथियारों की बिक्री के आंकड़ों के आधार पर जारी की गई है। 2002 के बाद से यह प्रथम अवसर है जब इस सूची में शीर्ष 5 कंपनियों संयुक्त राज्य अमेरिका की है। इसीलिए आप समझते हैं कि अमेरिका पावरफुल है, क्योंकि आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा हथियार बेचता है। विश्व की 10 शस्त्र निर्माता कंपनियां 2018 में चीन के अतिरिक्त, तो इसमें आप देखेंगे कंपनी हो गई, देश हो गए, शस्त्रों की बिक्री मिलियन डॉलर में। ठीक है, लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन अमेरिका की है, इसने 47,260 मिलियन डॉलर में आपका बिक्री की है। बोइंग दूसरे नंबर पर है, यह भी अमेरिका की है, 29,150। नॉर्थरोप ग्रुमन कॉरपोरेशन ये भी अमेरिका की है, इसने 26,190। रेथियोन ये भी अमेरिका की है, 23,440। जनरल डायनेमिक्स कॉरपोरेशन ये भी आपकी अमेरिका की है, ये 22,000 के करीब इसने मिलियन डॉलर में बेचा है। ठीक है, सौदा किया है। बीएसई सिस्टम्स ये यूनाइटेड किंगडम की है, तो याद रखिए 6वें नंबर पर यूनाइटेड किंगडम की है बीएसई। टॉप 5 में आपकी सभी अमेरिकी कंपनी है, पहले नंबर की याद रखिए जरूर, लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन। और इसकी अगर बीई की बात करें, बीएई की, तो ये देखेंगे 21,210 है इसका मिलियन डॉलर में, शस्त्रों की बिक्री की है इसने। एयरबस की बात करें, एयरबस ग्रुप की, तो ट्रांस यूरोपियन की है, 16,650 की है इसने। लियोनार्डो इटली की बात करें, इटली की है, 9,820 मिलियन डॉलर में। ठीक है, अलमाज एंटे ये रूस की है, 9,640। थेल्स ये फ्रांस की है, 9,470। तो आप सोचिए कि अमेरिका टॉप 5 में शामिल है और 5 टॉप 5 अमेरिका की है, बाकी आप देखेंगे 6वें नंबर पर बी ए ई है सिस्टम्स, ये यूनाइटेड किंगडम की। 7वें नंबर पर एयरबस ग्रुप ट्रांस यूरोपियन। लियोनार्डो ए इटली की है 8वें नंबर पर। अलमाज एंटे ए रूस की है। थेल्स फ्रांस की है। ठीक है, 10वें नंबर पर। अगर हम 2018 में भारत की 3 शस्त्र निर्माता कंपनियों को विश्व की शीर्ष 100 शस्त्र निर्माता कंपनियों की सूची में शामिल किया गया, तो भारत की जरूर आप लोग याद रखिए, क्योंकि भारत का इसमें पूछा जा सकता है। सूची में शामिल 3 भारतीय कंपनियों की कुल शस्त्र बिक्री वर्ष 2018 में 5.9 बिलियन डॉलर रही। आप समझिए कि 5.9 बिलियन डॉलर, और यहां समझ रहे हैं आप लोग कितना, मतलब हम जो वर्ष 2017 की तुलना में 6.9% की गिरावट को भी प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि हम लोग नीचे भी गए हुए हैं। विश्व की 100 शस्त्र निर्माता कंपनियों में शामिल भारतीय शस्त्र निर्माता कंपनियों की बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इसे 38वीं रैंक मिली हुई है। इसकी अगर हम लोग बात करें तो 2740 यानी कि 2,740 मिलियन डॉलर में इसकी बिक्री, यानी कि इसने बिक्री की है। भारतीय आयुध निर्माणियों की बात करें तो 56 रैंक रही है इसकी, 1650। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 62वें नंबर पर आए, 1460 मिलियन डॉलर में। तो हिंदुस्तान एरोनोटिक्स 38, भारतीय आयु निर्माण ए 56, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ए आपका 62। अब देखिए हमारा हिंदुस्तान एरोनोटिक्स का कितना है, 2740 मिलियन डॉलर में। और यही आप लोग देखिए अमेरिकी की फर्स्ट जो कंपनी रही है इसका देखिए 47,260 मिलियन डॉलर में। अब सोचिए हम लोग, जमीन आसमान का अंतर दिखाई दे रहा है आपको, तो इस स्थिति में पहुंचने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, समझ रहे हैं आप लोग। शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करना होगा तभी ये संभव है, लेकिन आप देखते हैं दूर दूर तक इस तरह की कोई नजर भी नहीं आता है। कोठारी आयोग 1968 में आया, तभी कह दिया गया था कि 6% जीडीपी का शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, लेकिन उसके बाद अभी तक कभी भी ये संभव नहीं हुआ। अब जो नई शिक्षा नीति आई हुई है इसमें भी आपका कहा जा रहा है,
लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कितनी सफल रहती है कितना असफल रहती है। अगर सफल रहती है वास्तव में तो इससे काफी फायदे देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद 12 जनवरी 2020 को तेजस विमान INS विक्रमादित्य की स्त्री जंप डेक से उड़ान भरने में भी सफल रहा है। यह पहला अवसर है जब भारत में निर्मित कोई लड़ाकू विमान किसी विमान को तक पोत पर उतरने और उससे पुनः उड़ान भरने में सफल है। ठीक है, माफ करिए, यहाँ हम लोग भूल गए। INS विक्रमादित्य पर तेजस की सफल लैंडिंग 11 जनवरी 2020 को स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस के नौसैनिक संस्करण की विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य पर सफल अरेस्टेड लैंडिंग कराई गई है। ठीक है, तो इसके बाद आप देखेंगे, इसे ले लीजिए, नीचे आपको बताने में भूल गया था मैं, माफ करिएगा, इतना एडजस्ट करते रहा करिएगा। ठीक है, आज सुबह से वैसे भी दिमाग थोड़ा, मतलब आप सोचिए, एक तरह से दुख नहीं लगने लगता है। यही एक तरह से आपकी ही इंसानियत की यह पहचान है। अगर आपको किसी की प्रॉब्लम से दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो जरूर आप में मानवता है, समझ रहे हैं आप? अगर आप में दुख नहीं हो रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा ये गलत है। तो इसके बाद आपने देखा है कि 12 जनवरी 2020 को तेजस विमान INS विक्रमादित्य की इसकी इसकी जंप डेक से उड़ान भरने में भी सफल रहा है। यह पहला अवसर था कि जब भारत में निर्मित कोई लड़ाकू विमान किसी विमान वाहक पोत पर उतरने और उससे पुनः उड़ान भरने में ये क्या रहा, सफल रहा है। इसके पूर्व सितंबर 2019 में तेजस ने गुआम में तट आधारित परीक्षण सुविधा पर शॉर्ट अरेस्टेड लैंडिंग करने में सफलता हासिल की थी। भारत द्वारा अभी तक रूसी MiG-29K के नौसैनिक संस्करण का प्रयोग INS विक्रमादित्य पर उतरने और उड़ान भरने में किया जा रहा है। किसका? रूसी MiG-29 का के का। याद रहे कि विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य पूर्व सोवियत संघ के एडमिरल गोर्सको का नया नाम है, जिसे वर्ष 2013 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था, 2013 में। पर आपने देखा होगा कि ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। 17 दिसंबर 2019 को बालासोर उड़ीसा से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के दो अलग अलग परीक्षण की संपन्न हुए हैं। कहाँ से? बालासोर उड़ीसा से। एक परीक्षण सतह से, जबकि दूसरा परीक्षण वायु आधारित मंच से संपन्न हुआ है। एक आपका सतह से, दूसरा वायु से। ये परीक्षण रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि DRDO और भारतीय वायुसेना और ब्रह्मोस एयरोस्पेस द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किए गए हैं। ब्रह्मोस मिसाइल के सतह से मार करने वाले संस्करण को चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज के लॉन्च पेड 3 से दागा गया है, जबकि बंगाल की खाड़ी के ऊपर उड़ान भरते वायु वायुसेना के Sukhoi-30 MK-1 MKI लड़ाकू विमान से इस मिसाइल के वायुसेन संस्करण का परीक्षण भी किया गया है। 21 से 22 अक्टूबर 2019 को भारतीय वायुसेना द्वारा गतिशील प्लेटफॉर्म से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ट्राप द्वीप से मिसाइल को दागकर 300 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य पर निशाना भी साधा गया। तो इस ट्राक द्वीप कहाँ है? अंडमान निकोबार में। इस परीक्षण फायरिंग का मुख्य उद्देश्य भारतीय वायुसेना की उच्चतम परिशुद्धता के साथ लक्ष्य को भेदने की क्षमता का परीक्षण करना था। इसके पूर्व 22 मई 2019 को भारतीय वायुसेना ने Sukhoi-30 MKI फर्स्ट है लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस मिसाइल के वायु से प्रक्षेपित किए जाने वाले संस्करण का परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया। और याद रहे कि ब्रह्मोस मिसाइल का यह संस्करण 2.5 टन वजनी है और वायु से सतह पर 300 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में भी सक्षम है। 22 नवंबर 2017 को पहली बार भारतीय वायुसेना के Sukhoi-30 MK-1 विमान ने विश्व में सबसे तेज गति से मार करने वाले सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल उड़ान परीक्षण किया था। ठीक है, याद रहे कि 2.8 यानी कि 2.8 मैक की गति से मार करने वाली
ब्रह्मोस मिसाइल सुकोई सुकोई 30 एम के आई विमान पर तैनात किया जाने वाला सबसे वजनी हथियार भी है। क्या है? सबसे वजनी हथियार भी है। ठीक है, तो कोई 30 भी कह देते हैं इसे आप लोग, उसी एक तरह से उसी श्रेणी का है। ठीक है, फिर आपने देखा होगा कि इमनेक्स अभ्यास 2019, तो 18 से 22 अक्टूबर 2019 के मध्य इमनेक्स अभ्यास का आयोजन भारत और म्यांमार की सेनाओं के नौ सेनाओं के मध्य विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया है। तो सबसे पहले तो यही पूछ लेगा कि जो एमनेक्स अभ्यास हुआ है किन किन के बीच हुआ, किन किन देशों के, तो भारत और म्यांमार, और किसके बीच हुआ है, नौ सेनाओं के मध्य, इसमें नौ सेनाओं ने भाग लिया है, किस जगह हुआ है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। एमनेक्स से तात्पर्य इंडिया म्यांमार नेवल एक्सरसाइज, इसका पूरा नाम एक तरह से कह सकते हैं आप लोग। अभ्यास के दूसरे संस्करण का शुभारंभ INS रणविजय विध्वंसक पोत पर आयोजित समारोह से हुआ है। इस अभ्यास के को दो चरणों, बंदरगाह चरण और सागर चरण में आयोजित किया गया है। बंदरगाह चरण के दौरान भारतीय नौसेना इकाई का दौरा विशाखापट्टनम में प्रशिक्षण व रख रखाव जैसे कार्य शामिल हैं। सागर चरण के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा INS रणविजय और INS कुथर युद्धपोत, जबकि म्यांमार नौसेना द्वारा UMS सिनपुसेन युद्धपोत और UMS तबेन सेवेती युद्धपोत का उपयोग संयुक्त नौसेना अभ्यास में किया गया है। याद रहे कि प्रथम एमएनएक्स अभ्यास का आयोजन वर्ष 2018 में किया गया था, पहली बार ये 2018 में हुआ था। ठीक है, इन दोनों देशों के बीच। फिर आपने सुना होगा कि INS खंदेरी नौसेना में शामिल किया गया है। 28 सितंबर 2019 को मुंबई स्थित नौसैनिक पोतगाह पर आयोजित एक समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेश निर्मित पनडुब्बी INS खंदेरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया है। याद रहे कि जनवरी 2017 में INS खंदेरी की जलावतरण किया गया था। खंदेरी भारतीय नौसेना निर्माणाधीन कलवरी श्रेणी की छठवीं पनडुब्बी की श्रृंखला में दूसरी पनडुब्बी है। टोटल 6 शामिल होनी है, जिनमें से दूसरी ये है। यह एक डीजल इलेक्ट्रॉनिक और स्टील पनडुब्बी है जो रडार से बचकर निकल सकती है। INS खंदेरी का नाम हिंद महासागर में पाई जाने वाली एक खतरनाक शिकारी मछली के नाम से प्रेरित है। याद रहे कि खंदेरी मराठा शासक छत्रपति शिवाजी द्वारा निर्मित एक द्वीपीय किले का भी नाम था। INS खंदेरी की लंबाई 67.5 मीटर और ऊंचाई इसकी 12.3 मीटर है। याद रहे कि मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा फ्रांस के मेसर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से प्रोजेक्ट 75 के तहत वर्तमान में निर्माणाधीन कलवरी श्रेणी की छह पनडुब्बियां फ्रांस के स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों पर आधारित है। तो ये फ्रांस और भारत के बीच समझौते के तहत बनाई जा रही है। खंदेरी के अतिरिक्त इस श्रेणी की शेष 5 पनडुब्बियां कलवरी, करंज, बेला, बागेर, बागसी है। ठीक है, इसे भी याद रखें। स्कॉर्पियन श्रेणी की पहली पनडुब्बी INS कलवरी है, जिसे दिसंबर 2017 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। खंदेरी, उसके बाद कलवरी, आप देखें कलवरी के बाद खंदेरी शामिल हो गई, करंज, बेला, वागीर और वागसीर ये चार रह गई अभी तक। ठीक है, पर आपने देखा होगा कि INS नीलगिरी प्रोजेक्ट 17A का पहला युद्ध अभ्यास 28 सितंबर 2019 को मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में आयोजित एक समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने INS नीलगिरी की का जलावतरण किया संपन्न किया है। याद रहे कि INS नीलगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्माणाधीन प्रथम युद्धपोत है। प्रोजेक्ट 17 के तहत कुल 7 युद्धपोतों का निर्माण किया जाना है, जिसमें 4 पोत मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा और 3 पोत गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता द्वारा निर्मित किए जाएंगे। 4 आपके मुंबई और 3 आपके कोलकाता। प्रोजेक्ट 17 के तहत 17A के तहत निर्मित होने वाले युद्धपोतों की लंबाई 149 मीटर और विस्थापन लगभग इसका 6,670 टन होगा। ये पोत 28 नॉट के अधिकतम गति प्राप्त करने में सक्षम भी होंगे। ये पोत अत्याधुनिक निर्देशित मिसाइलों से लैस होंगे। प्रोजेक्ट 17 के तहत के संदर्भ में तकनीकी सलाह प्रदान करने के माध्यम से इटली की पोत निर्माता कंपनी फिनकेन तेरी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और गार्डन रीच शिप
बिल्डर्स लिमिटेड के साथ सहयोग करेगी। कौन सी? इटली की पोत निर्माता कंपनी है फिनकेंटेरी। ठीक है, प्रोजेक्ट 17 के तहत निर्माणाधीन पोत सतह से हवा में मार करने वाले वराह 8 मिसाइलों से लैस होगा। सतह से हवा में मार करने वाली जो वराह 8 है ना, 8 है, ये इसी से मिसाइल से लैस होगा। बराक 8 मिसाइल भारत एवं इजराइल का संयुक्त उपक्रम है। ये भी कई बार पूछ लेता है कि बराक 8 किस किस के बीच का, मतलब एक तरह से बनाया हुआ है किसने, भारत और इजराइल का संयुक्त उपक्रम है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी प्रोजेक्ट 17 के पोतों पर भी तैनात की जाएगी और 127 mm की ओटो मेलारा बंदूक भी प्रोजेक्ट 17A के पोतों पर तैनात की जाएगी। प्रोजेक्ट 17A के पोत इजराइल के से प्राप्त MF स्टार रडार से भी लैस होंगे। पर आपने देखा होगा कि अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। भारतीय वायुसेना द्वारा सितंबर 2019 में Sukhoi-30 MKI विमान से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में किया गया है। उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में 16 से 19 सितंबर 2019 के मध्य इस मिसाइल के 5 परीक्षण किए गए हैं। अस्त्र दृश्य सीमा से परे स्वदेश निर्मित हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल है अस्त्र। ठीक है, मिसाइल का विकास रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि आपका DRDO द्वारा किया गया है। परीक्षण के दौरान मिसाइल को विभिन्न रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम और सेंसर के माध्यम से ट्रैक किया गया और अत्यधिक निर्देशित एवं नेविगेशन तकनीकों के माध्यम से अस्त्र मिसाइल का 100 किलोमीटर से अधिक दूरी तक मार कर सकती है। फिर आपने देखा होगा कि अपाचे हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। 3 सितंबर 2019 को एयरफोर्स स्टेशन पठानकोट में भारतीय वायुसेना ने AH-64E अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर को औपचारिक रूप से अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। इससे पूर्व 10 मई 2019 को अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग द्वारा भारतीय वायुसेना को पहला अपाचे गार्डियन हेलीकॉप्टर अमेरिका के मेसा एरिजोना स्थित उत्पादन प्रतिष्ठान के में औपचारिक रूप से सौंपा गया था। ठीक है, अमेरिका का है। याद रहे कि 2015 में 12-22 अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए भारत और अमेरिका के मध्य एक तरह से संबंध समझौता हुआ था। बोइंग कंपनी, इस कंपनी को याद रखिए, बोइंग कंपनी द्वारा AH-64 यानी कि 64E 19 संस्करण के अपाचे हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना को प्रदान किए जाएंगे जो भारत की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल निर्मित किए जा रहे हैं। AH-64 अपाचे अमेरिका की बोइंग कंपनी द्वारा निर्मित दुनिया का सबसे उन्नत बहु भूमिका वाला हेलीकॉप्टर है जिसका अमेरिकी सेना व अन्य अंतर्राष्ट्रीय रक्षा बलों द्वारा उपयोग किया जा रहा है। अपाचे हेलीकॉप्टर की वैश्विक खरीदारी मिस्र, ग्रीस, भारत, इंडोनेशिया, इजराइल, जापान, कोरिया, कुवैत, नीदरलैंड, कतर, सऊदी अरब, सिंगापुर, UAE और UK देश शामिल हैं। यानी कि ये देश भी आपके इन्हें इसका उपयोग कर रहे हैं अपाचे हेलीकॉप्टर का। ठीक है, तो यहां तक मुझे लगता है कि आपका रक्षा विज्ञान हो गया है। इसके बाद ये कुछ अभी जितने भी हम लोगों ने वैज्ञानिक परिदृश्य देखा है तो इससे संबंधित कुछ आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आपके वनडे एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ लिए जाते हैं और कभी कभी आप देखते हैं सिविल सर्विस और UPBCS में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो याद रखिए। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी की शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रस्तावित है 8 सितंबर 2020 को। इस बार देखिए सभी आवासीय रूप से हो रहे हैं यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रहे हैं क्योंकि आप देख रहे हैं लॉकडाउन लगा हुआ है, डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है कोरोना महामारी ने। ठीक है, CSIR केंद्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष स्थापित है दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। विश्व के सबसे बड़े सौर वृक्ष की स्थापित क्षमता है 11.5 किलोवाट पीक से अधिक। विश्व के सबसे बड़े सौर वृक्ष की स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा उत्पादित करने की वास्तविक क्षमता है 12,000 से 14,000 यूनिट्स। विश्व के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण का गिनीज विश्व रिकॉर्ड किया गया अखिल भारतीय बाघ आकलन 2018 के नाम से। आपने देखा है कि 2018 में एक रिपोर्ट आई हुई थी बाघों की गणना से संबंधित, इसमें बताइए कि भारत में कितने हैं और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, मतलब माफ करिए मध्य प्रदेश में है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा था लेकिन आंसर बता दिया, मध्य प्रदेश में 526 हैं। ठीक है, भारत में टोटल कितने हैं इन्हें बताना है आपको और आपके राज्य में कितने हैं ये भी आप लोग लिखिए, सर्च करिए और लिखिए। प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक जिनके नाम पर 2006 में खोजे गए एक क्षुद्र ग्रह का नामकरण अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा किया गया है ये पंडित जसराज हैं। ठीक है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है उसे उल्टा करके भी उस नाम दिया गया है उसका। ठीक है, क्षुद्र ग्रह का। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने रमनसेट 2
नामक एक लघु उपग्रह प्रक्षेपण किया है 23 सितंबर 2019 को, 23 सितंबर 2019 को। रमन को आप जानते होंगे, सीवी रमन, इन्हें भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, भारतीय है। वह अर्धमानवीय महिला रोबोट जिसका अनावरण बेंगलुरु में मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान किया गया है, यह है आपकी व्योममित। कौन सी है? व्योममित। 23 जुलाई 2020 को चीन का मंगल मिशन हैनान प्रांत में स्थित बेनचांग अंतरिक्ष लॉन्च केंद्र से चीन के लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है। इसका नाम क्या रखा है? तियानवेन 1। तियानवेन 1। 20 जुलाई 2020 को संयुक्त अरब अमीरात का प्रथम मंगल मिशन हॉप सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। तानेगासिया अंतरिक्ष केंद्र जापान से किया गया है। किसी पश्चिम एशियाई अरब या फिर मुस्लिम बहुल देश द्वारा मंगल ग्रह हेतु प्रक्षेपित प्रथम यान क्या है? होप प्रो, ठीक है, होप प्रो। यूएई का प्रथम नैनो उपग्रह जिसे इसरो द्वारा, आपकी हमारी जो अंतरिक्ष एजेंसी है, इसके द्वारा फरवरी 2017 में प्रक्षेपित किया गया था, यह है नाइफ 1। GSAT-13 नाम से भारत का 24वां भूस्थिर उपग्रह एरियन 5 ECA रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया 17 जनवरी 2020 को। भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान की 50वीं उड़ान PSLV-C48 सफलतापूर्वक संपन्न हुई है 11 दिसंबर 2019 को। PSLV की 50वीं उड़ान के माध्यम से प्रक्षेपित भारतीय उपग्रह है RESET-2B-R1, ठीक है, RESET-2B-R1। PSLV की 50वीं उड़ान के माध्यम से प्रक्षेपित विदेशी उपग्रहों की कुल संख्या क्या थी? 9, यानी कि इसमें विदेशी उपग्रह भी 5 हैं, माफ करिए 9 हैं, ठीक है। 11 दिसंबर 2019 को आयोजित PSLV की 50वीं उड़ान के माध्यम से भारत में भारत के अंतरिक्ष जिन देशों के उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया है, इसमें आपका इजराइल, इटली, जापान और अमेरिका के भी उपग्रह शामिल है। इजराइल, इटली, जापान, अमेरिका। 11 दिसंबर 2019 को आयोजित PSLV की 50वीं उड़ान में PSLV जिस संस्करण का प्रयोग किया गया है वो है PSLV QL। 3 से 7 जनवरी 2020 के मध्य 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस बेंगलोर कर्नाटक में, एक कर्नाटक में हुई है, ठीक है। 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का विषय यानी कि थीम क्या रही है? विज्ञान प्रौद्योगिकी और ग्रामीण विकास। 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में जिन दो नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिकों ने भाग लिया है वो कौन कौन से हैं? प्रोफेसर स्टीफन हेल जर्मनी के हैं, प्रोफेसर अदा ई यूनाथ ए इजराइल की है, ठीक है। 27वीं राष्ट्रीय बाल विकास कांग्रेस का आयोजन 27 से 31 दिसंबर 2019 के मध्य हुआ था, यह हुआ था तिरुवनंतपुरम केरल में। याद रखिए 27वीं राष्ट्रीय बाल विकास कांग्रेस है और ये 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस था। इन दोनों को बड़े अच्छे से याद रखिए क्योंकि अलग अलग हैं दोनों। 27वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का विषय यानी कि थीम क्या रही थी? स्वच्छ हरित और स्वस्थ राष्ट्र के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विज्ञान के क्षेत्र में लैंगिक असमानता दूर करने के लिए विज्ञान ज्योति योजना की घोषणा की है 28 फरवरी 2020 को, यानी कि जो इस दिन आप राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं उसी दिन इसकी घोषणा की गई है 2020 में, ठीक है। IIT मुंबई ने एक स्वदेशी रिसीवर चिप का विकास किया है जिसका उपयोग स्मार्टफोन और नेविगेशन उपकरणों में किया जाएगा। इस चिप का नाम क्या रखा गया है? तो ध्रुव नाम रखा गया है। WHO ने COVID-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया था कब? 11 मार्च 2020 को, 11 मार्च 2020 को, इसे भी बड़े अच्छे से याद रख लीजिए, ठीक। सर्वप्रथम नोवेल कोरोना वायरस के मामले विकास में आए थे वुहान शहर चीन में, ये भी पूछ सकता है, पहली बार यहीं देखे गए थे, ठीक है, वुहान शहर चीन में। 30 जनवरी 2020 को भारत में सर्वप्रथम कोविड 19 के संक्रमण यानी कि कोरोना वायरस का प्रथम संक्रमण कहां मिला था आपको? केरल में। अगर आपसे देखिए केस की पूछे तो ये केरल में मिला था, अगर आपसे पूछे कि इससे यानी कि कोरोना वायरस से सबसे पहली मौत भारत में किस राज्य में हुई थी तो ये कलबुर्गी कर्नाटक में हुई थी, ठीक है। 11 अगस्त 2020 को रूस ने इस कोविड-19 टीके के आधिकारिक रूप से पहले पंजीकृत कोविड-19 टीके का दर्जा हासिल किया है, यह स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5 पहला रूस ही है इसे बनाने वाला। आपने देखा होगा कि उसका ट्रायल उनकी बेटी पर, रूस के प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति हैं उनकी बेटी पर किया गया था, इसका कोई नकारात्मक परिणाम नहीं रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। देखिए अब कब तक आपके पास आता है ये अलग बात है। फिर आप देखेंगे 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा
स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार से GSLV Mark 3 M-1 रॉकेट द्वारा भारत के इस मिशन का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। यह चंद्रयान 2 मिशन तो याद रखिए 22 जुलाई 2019 को किया गया है। कहां से? श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। किसके द्वारा, किस रॉकेट द्वारा? तो ये याद रखिए GSLV Mark 3 MK-1, माफ करिए M-1, ठीक है। चंद्रयान 2 मिशन के लैंडर रोवर का नाम क्या रखा गया? तो ये लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम विज्ञान। 22 जुलाई 2020 को गुजरात स्थित इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र से क्रांति कथा प्राप्त हुई है, काकरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र 3 से, जिसे आप लोग KAPP-3 भी कहते हैं। 2 अगस्त 2020 को केंद्रीय संचार राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने महाराष्ट्र के अकोला और वाशिम जिले में डिजिटल इंडिया के तहत बेतार कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए उद्घाटन किया है भारत एयर फाइबर। 22 जून 2020 को विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटर में टॉप 500 सूची की जारी की गई। इस सूची में विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया जापान का फुगाकू। जापान का फुगाकू, फुगाकू एक टॉप पर है विश्व के। अगर द्रुततम सुपर कंप्यूटर फुगाकू की अधिकतम क्षमता की बात पूछ ले तो ये 415.53 पेटाफ्लॉप्स है। भारत ने सबसे शक्तिशाली ओजोन अवक्षारीय रासायनिक पदार्थों में से एक हाइड्रोक्लोरो का क्लोरो फ्लोरोकार्बन यानी कि 141B SCFC 141B के प्रयोग को चरणबद्ध तरीके से पूर्णता समाप्त कर दिया है 1 जनवरी 2020 तक। अगर भारत की सबसे सुपर कंप्यूटर की बात करें द्रुततम यानी कि सबसे गति वाली, तो यह है पीतियुस। गूगल एडवांस टेक्नोलॉजी एंड प्रोजेक्ट के तहत पिक्सल 4 स्मार्टफोन सीरीज के निर्माण के लिए संचालित परियोजना है प्रोजेक्ट सॉली। प्रोजेक्ट सॉली WHO ने 2020 को मानने का निर्णय लिया है औपचारिक और प्रस्ताविका वर्ष के रूप में, ठीक है। भारत के प्रथम स्वदेशी COVID-19 टीके कोवैक्सीन का विकास किया गया है भारत बायोटेक ने द्वारा ICMR राष्ट्रीय विज्ञान विषाणु संस्थान के सहयोग से, ठीक है। हमारा ये कोवैक्सीन है टीका। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 के अनुसार 2017 में उत्तर प्रदेश की स्थिति 1,000 जनसंख्या पर जन्म दर कितनी रही है? ये 25.9 रही है, ठीक है। हाल ही में पत्र सूचना कार्यालय PIB द्वारा विज्ञप्ति के अनुसार भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मत की आर्द्रभूमियों के रूप में निर्दिष्ट नई आर्द्रभूमियों की संख्या कितनी है? 10। और अभी तक अगर टोटल की बात करें तो ये हो गई 37, पहले 27 थी और अभी 10 और जुड़ गई, इस टोटल 37 हो गई। अगर इनके मतलब ये 37 है, ठीक है, ये कितनी जमीन को घेरे हुए है तो ये देखने को मिलेगा आपको 10,67,639 हेक्टेयर भूमि घेरे हुए, आच्छादित किए हुए। 19 मई 2020 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए कचरा मुक्त शहरों की स्टार रैंकिंग के परिणामों में 5 स्टार रैंकिंग प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ का शहर कौन सा है? अंबिकापुर। अंबिकापुर, ठीक है, ये सभी देख चुके हैं पीछे पीछे, ठीक है। 24वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल वनावरण कितना है? 21.67। 2017 की तुलना में 2019 में वन क्षेत्र में वृद्धि कितनी हुई है? 3,976 वर्ग किलोमीटर। सतत नाइट्रोजन प्रबंधन पर कोलंबो घोषणा के अनुसार नाइट्रोजन कचरे को आधा करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक, ये श्रीलंका में हुआ था, ठीक है। सतत नाइट्रोजन प्रबंधन पर कोलंबो घोषणा 2019 में जो अंगीकृत किया गया 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सदस्य राष्ट्र द्वारा। भारत में फ्रांस से निर्मित राफेल विमानों की पहली खेप 5 विमान 29 जुलाई 2020 को पहुंचे हैं अंबाला वायुसेन अड्डे हरियाणा में। सितंबर 2020 में भारत एवं फ्रांस के मध्य हुए एक अंतर सरकारी समझौते के तहत फ्रांस द्वारा भारत को आपूर्ति की जाएगी 36 राफेल विमानों की तीसरी पीढ़ी की वाई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसका परीक्षण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा 15 से 16 जुलाई 2020 को की गई। ध्रुवास्त्र एंट्री टैंक गाइडेड मिसाइल की मारक क्षमता है 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर तक। भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी स्वदेशी निर्मित टॉरपीडो डिकॉय प्रणाली मारीच को अपने बेड़े में शामिल किया है 26 जून 2020 को शामिल किया है। 5 फरवरी 2005 से 9 फरवरी 2020 के मध्य लखनऊ में आयोजित 11वीं डिफेंस एक्सपो 2020 का मुख्य विषय क्या रहा है, थीम क्या रही है? भारत एक उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण हब। 9 दिसंबर 2019 को सीप्री द्वारा भारत जारी विश्व में हथियार उत्पादक सैन्य सेवा प्रदाता शीर्ष 100 कंपनियों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन अमेरिका की है, ठीक है। 18 से 22 अक्टूबर 2019 के मध्य एमनेक्स अभ्यास का आयोजन विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ है भारत और म्यांमार की
नौसेनाओं के बीच पहला कब हुआ था, ये आप लोग नीचे लिखिए, बता चुका हूँ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेश निर्मित पनडुब्बी INS खंदेरी को मुंबई स्थित नौसैनिक पोतवा पर भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था 28 सितंबर 2019 को। अमेरिकी कंपनी बोइंग द्वारा निर्मित इस लड़ाकू हेलीकॉप्टर को 3 सितंबर 2019 को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। यह है आपका AH-64E अपाचे को। 28 दिसंबर 2019 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 289 दिनों व्यतीत करने के साथ ही किस महिला द्वारा सबसे लंबी लंबी एकल अंतरिक्ष उड़ान कब की विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है, क्रिस्टीना कोच है, ठीक है, 289 दिन तक रही है। क्रिस्टीना कोच से पूर्व 2016-17 में एकल अंतरिक्ष उड़ान के माध्यम से अंतरिक्ष में सर्वाधिक 288 दिन व्यतीत करने का विश्व रिकॉर्ड नासा की जिस महिला का नाम था, यात्रा का नाम था वो थी पैगी बेटसन, ठीक है। वर्तमान में नासा के जिस अंतरिक्ष यात्री के नाम एकल अंतरिक्ष उड़ान के माध्यम से अंतरिक्ष में सर्वाधिक अवधि 340 दिन व्यतीत करने का विश्व रिकॉर्ड किसके नाम है, यह है स्कॉट कैली, स्कॉट कैली, ठीक है। फिर आप देखेंगे 18 अक्टूबर 2019 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से केवल महिलाओं को स्पेस वॉक हेतु बाहर भेजा गया है। इस ऐतिहासिक महिला स्पेस वॉक में शामिल महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, क्रिस्टीना कोच और जेसिका मील। 18 अक्टूबर 2019 को बिना किसी पुरुष की उपस्थिति के पहली बार महिलाओं द्वारा की गई स्पेस वॉक में शामिल जेसिका मीर की पहली स्पेस वॉक थी। इस प्रकार जिस जेसिका मीर स्पेस वॉक करने वाली महिला कौन से नंबर की महिलाएं हैं, 15वीं महिलाएं हैं, किस नंबर की, 15वीं। अल्टीमा थूले सबसे दूर स्थित ब्रह्मंडीय पिंड है जहां तक कोई अंतरिक्ष यान पहुंचा है। नवंबर 2019 में नासा द्वारा इसका पुनर्नामकरण किया गया है। इसका नया नाम क्या है, अरोकोथ, अरोकोथ। अंतरिक्षीय कचरे एवं अन्य खतरों से भारतीय अंतरिक्षीय परिसंपत्तियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा यानी कि इसरो द्वारा परियोजना है प्रोजेक्ट नेत। चीन एवं ब्राजील द्वारा संयुक्त रूप से विकसित वायुग्रह जिसे 20 दिसंबर 2019 को उत्तरी चीन के झांगी प्रांत स्थित ताई युआन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था, ASCBERS-4A। CBERS-4A का पूर्ण रूप क्या है, चाइना ब्राजील अर्थ रिसोर्स सैटेलाइट 4। इथोपिया का पहला उपग्रह जिसका प्रक्षेपण 20 दिसंबर 2019 को किया गया, चीन के ताई युआन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च मार्च 4B रॉकेट द्वारा किया गया है। यह आपका ETRSS-1। ETRSS-1 का पूर्ण नाम क्या है, इथियोपियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 1। ये भी पूछ लेता है कि कौन सा इसका पूरा नाम क्या है, ठीक है, तो इसे भी याद रखिए। नवंबर 2019 में नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के एक अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान दल ने यूरोपा की सतह पर पहली बार जलवाष्प की उपस्थिति की पुष्टि की है। यूरोपा उपग्रह है बृहस्पति का, ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित चंद्रयान 3 के यानी कि चंद्रयान 3 के मिशन के अंतर्गत शामिल होगा एक लैंडर और एक रोवर। इसरो के द्वितीय लॉन्च पोर्ट की स्थापना की जाएगी थूथुकुडी जिला तमिलनाडु में। पृथ्वी के आयनमंडल के अध्ययन के लिए 10 अक्टूबर 2019 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह आईसीओएन 7 अक्टूबर 2019 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के माइनर फिलेनेट सेंटर द्वारा जिस ग्रह के 20 नए उपग्रह की खोज की गई है वो है शनि ग्रह। अब याद रखिए 20 नए उपग्रहों की खोज के साथ ही वर्तमान में शनि ग्रह की कुल उपग्रहों की संख्या 82 हो गई, और सबसे ज्यादा आप देखिए पहले बृहस्पति की थी लेकिन अब आपकी शनि की हो गई है, ठीक है। सौर प्रणाली का वह ग्रह वर्तमान जिसमें ज्ञात उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक है शनि आपका। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन। 23 सितंबर 2019 को रमनसेट 2 का प्रक्षेपण किया गया नासा द्वारा, ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। नोबेल पुरस्कार विजेता हुआ भारतीय भौतिक शास्त्री जिसके सम्मान में रमनसेट 2 का नामकरण किया गया, यह है आपके सर सीवी रमन साहब। 11 जनवरी 2020 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा गांधीनगर गुजरात में लॉन्च की गई विश्वास एवं साइबर आश्वस्त, ठीक है। विश्वास का पूर्ण रूप क्या है, वीडियो इंटीग्रेशन एंड स्टेट वाइड एडवांस सिक्योरिटी।
साइबर अस्वस्थ का पूर्ण रूप क्या है? साइबर एसोर्ड असिस्टेंस सर्विस हेल्पलाइन फॉर विक्टिम्स एट शॉर्टेस्ट टाइम। पहाड़ी क्षेत्रों में वाहनों में डीजल के जमने की समस्या के को मद्देनजर रखते हुए 17 नवंबर 2019 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा विशेष शीत ऋतु ग्रेड डीजल को लॉन्च किया है लद्दाख क्षेत्र में। नया केंद्र शासित प्रदेश है ना लद्दाख आपका, जम्मू कश्मीर से अलग करके बनाया गया है, ठीक है। 3 दिसंबर 2019 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च किया गया रोटा वायरस का नाम नया टीका कौन सा है? रोटावैक 5D। रोटावैक 5D टीका डिजाइन एवं विकसित किया गया है भारत बायोटेक द्वारा। 16 नवंबर 2019 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस रोग के नियंत्रण हेतु SAANS अभियान को लॉन्च किया गया निमोनिया के नियंत्रण हेतु। वह देश जिसने हाल ही में अल्जाइमर रोग के उपचार हेतु ओलिगोमेनेट नामक दवा के प्रयोग को स्वीकृति दी है, यह चीन। 2 नवंबर 2019 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जो डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा इस अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी सुविधा को राष्ट्र को समर्पित किया है, यह सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में। आप समझ रहे हैं, रोबोट। 9 दिसंबर 2019 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने WHO इंडिया कंट्री को ऑपरेटिव स्ट्रेटजी को लॉन्च किया है। यह रणनीति जिस अवधि हेतु केंद्रित है वह 2019 से 2023 तक के समय के लिए, 2019 से 2023 समय के लिए, ठीक है। 7 अक्टूबर 2019 को मुख्य स्वास्थ्य संबंधी सूचनाओं और ज्ञान के प्रसार पर केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया पहला राष्ट्रीय डिजिटल मंच क्या है? ई दंत सेवा। 7 सितंबर 2019 को नवजात शिशुओं में होने वाले अनुवांशिक रोगों से निपटने हेतु केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है उम्मीद पहल, ठीक है। वह देश जिसने वर्ष 2023 के अंत तक विवादित खरपतवार नाशक रसायन ग्लाइफोसेट के प्रयोग को रोक लगाने का निर्णय लिया है, यह जर्मनी। वह ऊर्जा जिसे हाल ही में केंद्रीय नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने नवीकरणीय ऊर्जा घोषित किया है, यह आपकी समुद्रिक ऊर्जा। वह संगठन जिसने हाल ही में भारत के वेब आधारित ऐसे पहले संग्राहक, यह आपका INDAIR को लॉन्च किया है, जिसने पिछले 60 वर्षों के दौरान किए गए वायु गुणवत्ता संबंधी अध्ययनों को संकलित किया है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान द्वारा नीरी द्वारा गहरे समुद्र में खनन हेतु गोताखोरों को भेजने की पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान की विस्थापित परियोजना क्या है? समुद्रयान। अखिल भारतीय बाघ गणना 2018 के अनुसार कितने बाघ हैं भारत में? तो ये आपको पीछे क्वेश्चन भी पूछा था आपसे, तो यह 2967 यानी 2967। 2014 से 2016 के मध्य भारत में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है 33% की, यानी कि बढ़ोतरी हुई है, अच्छी बात है। बाघ गणना 2018 के अनुसार भारत में सर्वाधिक बाघों की गणना कहाँ है संख्या? मध्य प्रदेश MP में 526। इसलिए आप जानते हैं टाइगर पिट स्टेट भी कहते हैं मध्य प्रदेश को, ठीक है। नवीनतम बाघ गणना के अनुसार 2018 में उत्तर प्रदेश की अगर UPBCS के लिए महत्वपूर्ण है 173, कितने? 173। 2 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने DRDO की 5 युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। ये प्रयोगशालाएं कहाँ हैं? बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद में देखने को मिलेगी। कहाँ कहाँ? बम्बई, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद में। वह मिसाइल जिसका 16 नवंबर 2019 को भारत द्वारा प्रथम रात्रि परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है, यह अग्नि सेकेंड मिसाइल। 27 दिसंबर 2019 को जोधपुर एयरवेस में आयोजित एक समारोह में भारतीय वायुसेना से इस विमान की अंतिम स्क्वाड्रन को सेवा मुक्त कर दिया गया है, MiG-27। MiG-27 विमान को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था 1985 में से शामिल किया गया था और 27 दिसंबर 2019 को इसे अलग कर दिया गया है, ठीक है, सेवा मुक्त कर दिया है। 1999 की कारगिल युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण विमान चालकों द्वारा MiG-27 विमान को एक उपनाम दिया गया था, यह था बहादुर कहा गया था। मूलतः तत्कालीन सोवियत संघ के मिकोयान गुरेविच डिजाइन ब्यूरो द्वारा निर्मित MiG-27 विमानों का निर्माण भारत के लाइसेंस के तहत किया गया था हाल द्वारा। खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा की बिगड़ती स्थिति के मद्देनजर हॉर्मुज जलडमरू से भारतीय पोतों के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय नौसेना द्वारा प्यारम समुद्री सुरक्षा अभियान क्या है? ऑपरेशन संकल्प। 11 से 19 दिसंबर 2019 के मध्य दौरान भारत रूस के मध्य जिस द्विपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास के द्विपक्षीय संस्करण का आयोजन बमीना उत्तर प्रदेश ग्वा
पुणे में किया गया है, वह है इंद्र 2019। बवैना आप जानते हैं उत्तर प्रदेश झांसी के पास है। 3 से 16 दिसंबर 2019 के मध्य रूपनदेही जिला नेपाल में भारत एवं नेपाल की सेनाओं के मध्य जिस द्विपक्षीय वार्षिक सैन्य अभ्यास के 14वें संस्करण का आयोजन किया गया है वो सूर्यकिरण, ये आपका 14 है। एक बात और याद रखिए इसमें, इंद अगर आपसे पूछे तो ये होता है भारत और रूस के बीच, और सूर्यकिरण पूछे तो ये नेपाल और भारत के बीच। 1 से 14 दिसंबर 2019 के मध्य औंध मिलिट्री स्टेशन पुणे में भारतीय थल सेना और श्रीलंका की थल सेना के मध्य जिस संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का 7वां संस्करण आयोजित किया गया है ये मित्र शक्ति 2019, मित्र शक्ति 2019 किस किस के बीच होता है, ये आपकी थल सेनाओं के बीच होता है भारत और श्रीलंका की। 31 अक्टूबर से 13 नवंबर 2019 के दौरान भारत एवं फ्रांस की थल सेनाओं के मध्य महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है शक्ति 2019। 13 से 21 नवंबर 2019 के मध्य के दौरान भारत अमेरिका के मध्य विशाखापट्टनम में जिस संयुक्त त्रिसेवा मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास का प्रथम संस्करण आयोजित किया गया है टाइगर ट्रम्प, ठीक है। 5 से 18 अक्टूबर 2019 के दौरान भारत और मंगोलिया की थल सेना के मध्य बकलोह हिमाचल प्रदेश में जिस संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास 14वां संस्करण आयोजित किया गया है नोमेडिक एलिफेंट 2019, ये 14वां है किस किस के बीच, भारत और मंगोलिया के बीच। तो इसके साथ देखिए आपका खत्म होता है आपका जो वैज्ञानिक परिदृश्य, और आपका राष्ट्रीय परिदृश्य भी खत्म चुका हो चुका है, विधिक परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य भी खत्म हो गया है, और आर्थिक परिदृश्य भी, वैज्ञानिक परिदृश्य भी खत्म हो चुका है। अवश्य है आपका उत्तर प्रदेश विशेष, तो ये विशेषकर आप उत्तर प्रदेश के जो भी बच्चे हैं उनके लिए जरूरी है, ठीक है। यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो, और भी तो इसे छोटी सी क्लास है, इन्हें भी आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। तो इसे भी हम दे देंगे, अभी कवर करवा दूंगा बहुत जल्दी। और फिर बचती है आपकी संक्षिप्तियाँ और खेल परिदृश्य, दो टॉपिक और बचते हैं दो तीन, तो ये भी बहुत जल्दी ही कवर कर जाएंगे। वैसे छोटा सा छोटे छोटे टॉपिक हैं, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, एक बहुत बड़ा हिस्सा तो हम लोग कवर कर चुके हैं अभी तक। चलिए मिलते हैं हम लोग, जब तक एंजॉय करिए आप लोग।